रालोद और सपा गठबंधन में कैराना लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर हंगामा शांत नहीं हुआ है, लेकिन इकरा हसन खेमे में जबरदस्त हलचल है। इकरा हसन के समर्थक तो टिकट तय मान रहे हैं और वो भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल हैंडपंप पर। इकरा हसन भी लगातार कैराना लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है सुबह से लेकर देर रात तक। कैराना लोकसभा के गांव गढ़ी दौलत में एक जलसे को लेकर इकरा हसन के समर्थकों ने बैनर लगाए हैं, उस पर इकरा हसन के फोटो के नीचे प्रत्याशी कैराना लोकसभा भी लिखा गया है। खैर, अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान एक गांव में इकरा हसन ने क्या कहा वो भी सुनिए। साथ ही पिछले दिनों राष्ट्रीय लोकदल की बैठक में पूर्व सांसद अमीर आलम ने क्या कहा था वो भी सुनिए। आ गया बिल्कुल, अब महीने भर का टाइम है सर पे और आप लोग ही हमारी बात हो, तो अगर आप लोग हो तो हम हैं, तो हमारा वजूद है, तो इसीलिए आप हमारे अपने हो, आपसे ही हम गुजारिश कर सकते हैं। चुनाव शुरू हो गया, लंबी लोकसभा है, कोटरपुर मील से लेके लंबा कई गांव है, कई जगह जाना पड़ेगा, दूसरों को ज्यादा जोड़ना है, अपनों को तो आप लोगों को तो ये चुनाव लड़वाना है। भाई दो मिनट सुन लो बस, आपसे सबसे यही गुजारिश है कि इस चुनाव को जितना चुपचाप तरीके से अपनी ताकत का दूसरे को एहसास कराए बिना जितने संयम से हम लड़ सके उतनी हमें तरक्की हासिल होगी, तो आप लोग सब दुआओं की दरखास्त है। अभी तो टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है हो जाएगा और हम लगे हुए लगातार कोशिश में कि किसी तरह चुपचाप इस चुनाव को कामयाबी की तरफ ले जाए। उसी के लिए आप सबके साथ की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है। आज पहली बार आना हुआ हाजीपुर में और आप लोग जिस तरीके से आपने हमारा यहाँ पर इस्तकबाल किया उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सबसे दुआओं की दरखास्त है और साथ खैरियत की चुनाव निकल जाए बहुत ही आराम से शांति के साथ, बस यही आप सबसे गुजारिश है। बाकी आप लोगों का ये चुनाव है, आप लोग कहोगे तो ये चुनाव लड़ा जाएगा, आप लड़वाओगे तो लड़ा जाएगा, वरना हम में कोई ऐसी ताकत नहीं, आप ही हमारी ताकत हो, तो आप ही के बलबूते पे ये चुनाव लड़ेंगे, आप ही को लड़वाना है और अभी सभी से दुआओं की दरखास्त। समाजवादी पार्टी पे सीट चली जाए, समाजवादी को उम्मीदवार लड़े, चुनाव लड़ाएंगे पूरे दिलो जान से, लेकिन समाजवादी का लोकदल से लड़े, इससे बड़ी बेइज्जती इस लोकदल के कार्यकर्ता की हो नहीं सकती। क्या लोकदल में इस लायक आदमी नहीं है जो चुनाव लड़ ले? आएंगे तो समाजवादी से आएंगे चुनाव लड़ेंगे, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं ज्यादा बात ना, रालोद नेता पूर्व सांसद अमीर आलम अपने बेटे पूर्व विधायक नवाजिस आलम के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन इकरा हसन के टिकट होने की चर्चा से ही अमीर आलम खूब मुखर हैं। उनका कहना है सीट चाहे सपा को दे दो, लेकिन अगर सीट रालोद के पास है तो कैंडिडेट भी रालोद का ही होना चाहिए।